दोस्तों प्रेजेंट सिंपल जो काम अभी चलता है या करता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो काम अभी चलता है या हम करते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। एक्टिव या असर्टिव, उसका बनाने का नियम मैं बता दिया हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स इफ एज अ सब्जेक्ट आई वी यू दे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इफ एज अ सब्जेक्ट ही सी इट ए नेम, V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं बता चुका हूं, उसको हम असर्टिव या एक्टिव बोलते हैं। अब इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक क्वेश्चन, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, इसका क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव होगा, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या हुआ किताब पढ़ता है, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या हम लोग खेलते हैं, क्या राम घर जाता है, दिस इज इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव में इफ एज अ सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा, उससे पहले मुझे डू का प्रयोग करना होगा। इफ एज अ सब्जेक्ट उदाहरण के रूप में, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या वे किताब पढ़ते हैं, क्या वे, क्या हम लोग खेलते हैं, क्या आप किताब पढ़ते हैं, आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसको उससे पहले मुझे डू का प्रयोग करना होगा। इफ एज अ सब्जेक्ट आई वी यू दे, उससे पहले मुझे डू का प्रयोग होगा, उसके बाद V1, और ये याद रखिएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई वी यू दे ही सी इट ए नेम, कुछ भी हो वर्ब सेम रहता, मीन्स वर्ब का पहला रूप ही आता है, अंतर कहां पे आता है वो मैं अभी बता रहा हूं। डू प्लस आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू प्लस आई वी यू दे, आई रहेगा, वी रहेगा या यू रहेगा या दे, इसमें से कोई एक रहेगा तो डू का प्रयोग कीजिएगा। डू प्लस आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक क्वेश्चन, जब हम बोलते हैं क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या वह खेलता है, क्या तुम जाते हो, क्या राम पढ़ता है, एज फॉर एग्जाम्पल डू प्लस आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज और अगर सब्जेक्ट के रूप में ही शी इट ए नेम रहेगा, उससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं डज का प्रयोग करूं, सब्जेक्ट से पहले मुझे डज का प्रयोग करना होगा। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह में, जैसे क्या मैं किताब पढ़ता हूं, यहां पे मैं मिस आई, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं डू का प्रयोग करूंगा, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मीन्स प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य में। डू प्लस आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस ही सी इट एंड नेम प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक ध्यान दीजिएगा वर्ब जो है सेम है, सब्जेक्ट बदल रहा है लेकिन वर्ब नहीं बदल रहा है, बदल कहां पे रहा है, इंट्रोगेटिव में डू, अगर अगर सब्जेक्ट रूप में आई वी यू दे है तो डू का प्रयोग करता हूं उससे पहले, और ही सी इट नेम है तो उससे पहले मैं डज का प्रयोग करता हूं। इज इट क्लियर नाउ, डू प्लस आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज इंट्रोगेटिव, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू आई रीड ए बुक, वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, V1 ही रहेगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव में वर्ब का पहला रूप ही आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में आई वी यू दे रहेगा तो उससे पहले मैं डू का प्रयोग करूंगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट ए नेम रहेगा तो उससे पहले मैं डज का प्रयोग करूंगा, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके, डू प्लस आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, यहां पे देखिए मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू आई रीड ए बुक, अब यहां पे देखिए डज प्लस ही सी इट ए नेम प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इंट्रोगेटिव, क्या वह किताब पढ़ता है, Does he read a book? यहां पर ध्यान दीजिए, क्या वह किताब पढ़ता है, Does he read a book? क्या राम किताब पढ़ता है, Does he read a book? Does राम read a book? क्या वह किताब पढ़ती है, Does she? यहां पे केवल ये बदलेगा, मीन्स यहां पे केवल इसमें फर्क आएगा डू और डज में। Does he read a book? मीन्स he see it or name के पहले आपको डज का प्रयोग करना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डू का प्रयोग आई वी यू दे से पहले करना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इज इट क्लियर नाउ, ओके, अभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, दिस इज प्रश्नवाचक नकारात्मक, मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसको बोलते हैं। तो उसका बनाने का नियम क्या है, अब मैं यहां पे क्लियर कर दिया हूं डू डज का, इसलिए मैं यहां पे एक ही साथ लिख दिया हूं, क्योंकि यहां पे वर्ब कंपल्सरी 1 वर्ब का पहला रूप आता है,
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है और सब्जेक्ट से पहले डू। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे रहेगा तो डू आएगा, अगर हे से इट नेम रहेगा तो डज आएगा। ओके, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड ए बुक, ध्यान दीजिएगा भाव से पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा, किसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड ए बुक, इज इट क्लियर नाउ। या यहां पे क्या वे किताब नहीं पढ़ता है, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे केवल बदलाव कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट मिस आ रहेगा, तो अगर वे है तो दे कर देंगे, हम लोग है तो वी कर देंगे, तुम है तो यू कर देंगे, इज इट क्लियर ना। और ऐसी चीज होगा मिस, डू आई नॉट रीड ए बुक, डू वी नॉट रीड ए बुक, डू यू नॉट रीड ए बुक, डू वी नॉट रीड ए बुक, डू डे नॉट रीड ए बुक, ओके इज इट क्लियर ना। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता, यहाँ पे देखिए वह है यहाँ पे, तो यहाँ पे डज का प्रयोग किया और ही के बाद नॉट का यूज हुआ। क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड ए बुक, इज इट क्लियर ना। और चाहे वो वहां पे क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, सेम, केवल बदलाव आएगा सब्जेक्ट में। अगर लेडीज है तो शी हो जाएगा, ही के बदले में शी हो जाएगा, नाम है तो राम घनश्याम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो वो आ जाएगा। क्या वो किताब नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड अ बुक। अब ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव नकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक मींस कोई पूछता है कि आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, तो आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, दिस इज नेगेटिव, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं जाते हो, राम घर नहीं जाता है, दिस इज नेगेटिव, जिसमें ना नहीं हो उसका बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही नियम मैं पहले बता रखा हूं, डू नॉट उसके साथ आएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे रहेगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट ए नेम रहेगा तो वहां पे डज नॉट आ जाएगा, किसमें नेगेटिव में, नकारात्मक, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो यहां पे डू नॉट आएगा, वह नहीं पढ़ता है, वहां पे डज नॉट आएगा। तो उसका बनाने का नाम ध्यान दीजिए, आई वी यू दे प्लस डू नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट ए नेम प्लस डज नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट ए नेम प्लस डज नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे पहले इंट्रोगेटिव में क्या होता था, डू या डज सब्जेक्ट से पहले आता था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता था, डू डज सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगा देते थे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव में क्या होता है, ये जो डू डज जो है पहले उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट, वी वन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव में भर भी वन ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट रूप में आई वी यू दे रहे या ही सी इट ए नेम रहे, केवल बदलाव कहां पे आएगा, अगर मैं नहीं पढ़ता हूं तो यहाँ पे आई है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का यूज होगा, वह नहीं पढ़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे मैं डज नॉट का यूज करूंगा। ओके, मीन्स आई वी यू दे के साथ डू, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होगा, ही सी इट ए नेम के साथ डज का प्रयोग होगा। ओके, और भर में कोई बदलाव नहीं आएगा, भी वन आएगा, मीन भर का पहला रूप आएगा। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक, दिस इज एक्टिव या असर्टिव बोलते हैं, मीन्स यहाँ पे कर्ता खुद काम करता है। और जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव आएगा, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, देखिए वहां पे आई है इसलिए डू लग गया, यहाँ पे वह है इसलिए यहाँ पे डज लग गया। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है, डज नॉट रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, दिस इज नेगेटिव,
नकारात्मक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक, राम किताब नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड ए बुक, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड ए बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड ए बुक, मीन्स आई विल यू दे के साथ डू का मैं प्रयोग किया, ही सी इट के साथ, ही सी इट एंड नेम के साथ डज का प्रयोग किया. इज इट क्लियर नाउ? नो प्रॉब्लम एट ऑल इन अंडरस्टैंडिंग? होपिंग सो. यस, यू विल क्लियरली अंडरस्टूड. प्लीज ट्राई टू रिपीट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू प्रैक्टिस बिफोर द मिरर बाय स्टैंडिंग इटसेल्फ, देन यू नो एग्जैक्टली हाउ टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली. और इसके आधार पे आप अंग्रेजी अच्छा खासा बोल सकते हैं, बहुत फ्लुएंटली बोल सकते हैं बिना सोचे. और मैं आपको एक मंत्र दूंगा, इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर इसके बाद मैं पैसे बताऊंगा, पैसे में कैसे कैसे चेंजेज आता है, पैसे में चेंज आता है मतलब सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है. मैं अभी जस्ट मैं बताऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. मैं आपको अभी बताया इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब में कोई बदलाव नहीं आता, वी1 आता है, केवल बदलाव आता है अगर सब्जेक्ट रूप में ही सी इट नेम रहता है. इंट्रोगेटिव में हम डज का प्रयोग करें, ही सी इट नेम के पहले हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर आई विल यू दे है तो उससे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे. दिस इज इंट्रोगेटिव. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डू या डज जो पहले आता है उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट मुझे लगाना होता है, उसके बाद वी1 और ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट. मीन्स यहाँ पे आई विल यू दे रहेगा तो डू नॉट कर दीजिएगा, ही सी इट नेम रहेगा तो डज नॉट कर दीजिएगा, और वी1 इज कंपल्सरी, इसलिए वी1 प्लस सब्जेक्ट दे दीजिएगा. मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज ही नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक. Is it clear now? Hoping so.